खतीमा के खेतल संडा में भूमाफियों ने सरकारी 9 बीघा जमीन पर प्लाटिंग कर बेच दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब खतीमा प्रशासन ने अतिक्रमण की जद में बिघड़ हुए गरीब लोगों को रहने के लिए जमीन आवंटित करने की कार्रवाई शुरू की। जानकारी के मुताबिक भूमाफियों ने 50 से अधिक लोगों को सरकारी भूमि, जनजाति भूमि दिखाकर स्टाम्प पेपर में विक्रय करा दिया है, जिसके बाद अपने मेहनत से प्लाट खरीदकर घर बनवाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि खटीमा क्षेत्र में ज्यादातर जमीन थारू लैंड या वर्ग 4 की है, जिसको शासन की तरफ से खरीद फरोख्त करने हेतु सख्त प्रतिबंध है। समाज सेवी विनोद जोशी का कहना है कि लगभग 30 से 40 सालों से लोग अपने परिश्रम की कमाई से जमीन खरीद कर अपना मकान बनाए हुए हैं और कुछ मकान निर्माणाधीन भी है तथा कृषि क्षेत्र भी है, जिसको प्रशासन हटाने की तैयारी में है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हुए प्लाट को लोग नहीं छोड़ेंगे और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करेंगे। वही निर्मला बिस्ट SDM खटीमा का कहना है कि सरकारी जमीन को धोखाधड़ी से बचाने वाले लोगों पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो सरकारी जमीन बताई जा रही है, ये 30-40 साल से जो है इसको गांव वाले कमाते रहे हैं और लगातार ये कृषि क्षेत्र रहा है, यहाँ पर जो है वो कृषि करते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है प्लॉटिंग कर दी है, लोगों ने अपना जो है प्लॉट खरीदे हैं, यहाँ पर मकान बनाने की तैयारी चल रही है, कुछ मकान यहाँ पर बन भी चुके हैं। अब प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है बाजार में, उनको हटा के जो है यहाँ पर कुछ परिवारों को बसाने की योजना चल रही है। तो गाँव वाले जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं, अपनी पूरी मेहनत की, पूरे ज़िंदगी का पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है, तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पर प्लॉट है, आप इनके ऊपर उनको जो है अतिक्रमण कार्य को यहाँ बसा रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो है गांव वाले सभी इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन का विरोध कर रहे हैं।